नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। भारत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चुनाव कवर करने की इजाजत न मिलने के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारत किसे देश में रहने की इजाजत देता है, ये उसका अपना फैसला है। दरअसल पाकिस्तान के पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर अमेरिका का पक्ष पूछा। इस पर वेदांत पटेल ने कहा, भारत की वीजा पॉलिसी पर बात करने और फैसले लेने के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम यहां बैठकर अपनी राय दें। अमेरिका ने कहा, हम सभी देशों के सामने प्रेस की आजादी को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता बेहद आम है, इसी वजह से हम रोज यह प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन भारत के मसले पर वहां के लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा वेदांत पटेल ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़ी जांच रिपोर्ट पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एबीसी न्यूज कंपनी की पत्रकार अवनी डीएस ने आरोप लगाया था कि उन्हें भारत में चुनाव की कवरेज की इजाजत नहीं दी गई, साथ ही देश छोड़कर जाने के लिए भी मजबूर किया गया। अवनी 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के दिन ही भारत छोड़कर जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवनी वही पत्रकार है जिन्होंने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। यूट्यूब पर मौजूद इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया था। अवनी ने अपने एक पॉडकास्ट लुकिंग फॉर मोदी में बताया था कि भारत सरकार ने उनके वीजा परमिट को यह कहकर आगे नहीं बढ़ाया गया कि उनकी रिपोर्ट्स ने लाइन क्रॉस की है। हालांकि भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने अवनी के दावों को खारिज कर दिया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।